नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 17 और 18 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन वीडियो। आज की जो पहली न्यूज़ है वो UPI ट्रांजेक्शन को लेकर है। डेली UPI ट्रांजेक्शन क्रॉस 36 करोड़ इन वन ईयर। आरबीआई के गवर्नर आप याद रखिए, श्री शक्तिकांत दास, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो UPI है, UPI का फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पिछले 12 महीनों में एक्सपोनेंशियली मतलब काफ़ी तेजी से, काफ़ी स्पीड से बढ़ गया है। विद डेली ट्रांजेक्शन क्रॉसिंग 36 करोड़ इन मार्च, मतलब डेली जो ट्रांजेक्शन है वो 36 करोड़ हो रहे हैं मार्च में, विद अ राइज ऑफ 50% फ्रॉम 24 करोड़ इन फेब्रुवरी 2022। इन वैल्यू टर्म्स डेली UPI ट्रांजेक्शंस आर वर्थ 6.27 लाख करोड़। दिस इज अ ग्रोथ ऑफ 17% फ्रॉम 5.36 लाख करोड़ इन फेब्रुवरी 2022। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, अपना फ़ोन लेते हैं, स्कैन कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ये तो और आगे चल के बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका जो रुपे कार्ड है वो भी अभी UPI पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रुपे क्रेडिट कार्ड जो आ गया है। ठीक है, तो ये और आगे इसकी संख्या जो है वो बढ़ने ही वाली है। ठीक है, अब ये कब इन्होंने अनाउंस किया? एक अभी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक करके प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर RBI के गवर्नर ने इसका अनाउंस किया है। उन्होंने ये भी कहा है, ही ऑल्सो स्टेटेड ओवरऑल मंथली डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन क्रॉस द लेवल ऑफ 1000 करोड़ ट्रांजेक्शंस ईच मंथ ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स। उसी के अलावा आपको NEFT भी पता होगा। NEFT मतलब आप पैसा जैसे ट्रांसफ़र करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये बेसिकली आप IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, इसकी सहायता से करते हो। ठीक है, तो इसमें हाइएस्ट एवर डेली वॉल्यूम 3.18 करोड़ ट्रांजेक्शन 28 फरवरी को नोट किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बारे में है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ओपन 2 वुमेन ओनली ब्रांचेस इन द नॉर्थ। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है कि नॉर्थ के साइड में ऐसी ब्रांच बनाया है 2, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ काम करेंगी, सिर्फ वुमेन रहेंगी वहाँ पर। ठीक है, प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो SGIC है। SGIC मतलब श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। सेटअप 2 वुमेन ओनली ब्रांचेस इन लुधियाना, पंजाब एंड जयपुर, राजस्थान। लुधियाना पंजाब में और जयपुर राजस्थान में। ये फर्स्ट सच इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्री है, मतलब जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा किसी कंपनी ने किया है। द एंटायर वर्क फोर्स फ्रॉम ब्रांच मैनेजर टू द सपोर्ट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ वुमेन। जो मैं बताया अभी आपको, पूरी तरह से महिलाएं रहेंगी उसमें, मतलब आपका ब्रांच मैनेजर जो हाईएस्ट पोस्ट है वहाँ से लेकर जो सपोर्ट स्टाफ जो सबसे नीची पोस्ट है, पूरी महिलाएं रहेंगी वहाँ पर। ठीक है, और SGIC का प्लान ये भी है कि ये जो मॉडल है इसको नेशन वाइड रिप्लीकेट करेंगे आगे चल के। अभी कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल में आप याद रखिए, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 2 ब्रांचेस बनाया लुधियाना और जयपुर में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अवार्ड को लेकर है। BS बैंकर ऑफ द ईयर, HDFC बैंक के जो शशिधर जगदीशन है उनको BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। ठीक है, शशिधर जगदीशन MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक हैज़ बीन चूजन एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 एज द लेंडर कंटिन्यूड इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अंडर हिज लीडरशिप। ये जो लेंडर है, ये लेंडर का मतलब है HDFC बैंक। बैंक बेसिकली क्या करता है भैया? लोन देता है, इसके लिए वो लेंडर बोला जाता है उसको। तो कहीं भी अगर आपको लेंडर करके दिखता है तो कन्फ्यूज ना होना, ये बैंक के बारे में बात कर रहा है। अंडर हिज लीडरशिप वाइल सक्सेसफुली नेविगेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस, मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है उनके लीडरशिप में HDFC बैंक का। आप देख भी रहे होंगे HDFC बैंक काफ़ी स्पीड से अपने ब्रांचेस ओपन कर रहा है सभी जगह पे। एन एमिनेंट 5-member ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी मतलब कोई भी अगर अवार्ड किसी को दे रहे हैं तो उसको जज करते हैं,
मतलब अवार्ड रहेगा तो उसके लिए एक ही तो कंटेंडर रहता नहीं, दो 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 कंटेंडर, चार कंटेंडर, पांच कंटेंडर रहते, तो ज्यूरी जो है वो डिसाइड करती है कि अवार्ड किसको देना है। ठीक है, तो एक 5 मेंबर की ज्यूरी थी जिसका जो चेयरिंग किया था वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा ने किया था, और इन्होंने पिक किया कि भैया ये सीईओ जो है अपना एचडीएफसी बैंक का, इसको आप विनर करके घोषित कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इन्फोसिस, कॉरपोरेट जगत से है। इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट मिस्टर मोहित जोशी ने रिज़ाइन कर दिया है और जाके सीधा सीधा टेक महिंद्रा को ज्वाइन कर लिया है। आपकी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा दोनों भी आईटी कंपनीज है, इन्होंने इधर से रिज़ाइन किया। ठीक है, वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, टेक महिंद्रा में जाके एमडी एंड सीईओ। इंडियाज़ फिफ्थ लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म टेक महिंद्रा हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर मोहित जोशी एज इट्स एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए रहेंगे, और इनका जो टिन्यूर है वो 20 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2028 तक के रहेगा, और अब तब तक के सीपी गुरनानी करके हैं जो रिटायर हो जाएंगे 2023 में, तो जोशी जी उनको वहाँ जाके रिप्लेस कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डे को लेकर है, आपको ऑलरेडी बताया डे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो 15 मार्च आपका जो डे है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 15 मार्च 2023। इस बार की थीम क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ओडिशा को लेकर है, ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर है, काफी अच्छी न्यूज है, याद रखिए, स्कीम को लेकर है इसके लिए। ठीक है, ओडिशा अनाउंसेस ₹500 करोड़ लाइवलीवुड स्कीम फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नया स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन। ठीक है, उसमें जो ट्राइबल पीपल है उनका वो क्लस्टर डेवलपमेंट करेगा, इसमें वो इकोनॉमी उनको एम्पावर करेगा, इकोनॉमिकली एम्पावर करेगा मतलब उनके लिए कुछ नए जॉब्स वगैरह ये करेगा, या तो फिर कोई नई कम्युनिटीज़ बनाएगा, उनकी जो लाइवलीवुड को है उसको बूस्ट करेंगे वो लोग। ये जो स्कीम है वो 119 ट्राइबल सब प्लान ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट थ्रू 22 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज यूटिलाइजिंग, इसमें कुछ खर्चा भी आएगा भैया, ₹500 करोड़ लग जाएंगे 3 साल के अंदर, 2023-24 से 25-26 तक के। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्कीम है इसमें क्या होगा, 1.5 लाख ट्राइबल हाउस होल्ड विल बी सपोर्टेड, 1.5 लाख ट्राइबल हाउस होल्ड्स को सपोर्ट किया जाएगा। कैसे सपोर्ट किया जाएगा, उनको क्वालिटी इनपुट दिया जाएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा रहने के लिए, फिर बाद में जो प्रोडक्शन है उसकी उनको प्रैक्टिस सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा, मार्केटिंग असिस्टेंस इन अ कन्वर्जेंस मोड। तो बेसिकली ट्राइबल पीपल के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डेनमार्क बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी। मतलब क्या किया, डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने CO2 को इम्पोर्ट किया और जाके सी के अंदर में बरी कर दिया। ठीक है, डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ओपन एन अंडर वाटर बरियल साइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इम्पोर्ट द गैस फ्रॉम अदर कंट्रीज। का डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने अंडर वाटर एक बरियल साइट बनाया है CO2 को डालने के लिए अंदर। ठीक है, डेनमार्क इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर्स बीनीथ द नॉर्थ सी। 1800 मीटर मतलब काफ़ी नीचे हो गया। ठीक है, इसको किसने लेट किया, ब्रिटिश केमिकल जायंट है इनियोज एंड जर्मन ऑयल कंपनी विंटरशेल डिया द ग्रीन सैंड। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर अप टू 8 मिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर बाय 2030। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर वो लोग बरी कर रहे हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एम टू कैप्चर एंड देन ट्रैप CO2 टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल मिलेगा, बेसिकली नेचर के लिए कर रहे हैं। करंटली अराउंड 30 प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेशनल और अंडर डेवलपमेंट। अभी फिलहाल में 30 प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि ऑपरेशनल है या फिर डेवलपमेंट में है यूरोप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है फेस्टिवल को लेके है, बूमचू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। ठीक है, बूमचू नाम का एक फेस्टिवल है वो अभी सिक्किम में सेलिब्रेट हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे दूसरे दूसरे जगह से ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर पहुँच के ये वाला फेस्टिवल मनाए। ठीक है, बूमचू फेस्टिवल कमोमोरेट्स अ सुपर नेचुरल अकोरेंस दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी अंदर चोग्याल चकदोर नामग्याल। ठीक
है, ये बेसिकली एक तैशिदिंग होली वाटर करके वेस रहता है, उसका रिचुअल रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वायोकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, याद रखो ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन पार्टनरशिप विद वायाकॉम 18, MS धोनी विल पार्टिसिपेट इन वेरियस नेटवर्क इनिशिएटिव्स एंड फीचर ऑन जियो सिनेमा, स्पोर्ट्स 18 एंड इस सोशल मीडिया अकाउंट्स। अभी आप अगर थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखते होगे तो टीवी में आपको ये जियो सिनेमा की एड भी करते हुए दिख जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ही विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ जियो सिनेमाज अपकमिंग, ये जो मैं अभी बताया आपको, ही विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ जियो सिनेमाज अपकमिंग टाटा IPL कैंपेन। अब ये जो है वायोकॉम 18, ये क्या है, जॉइंट वेंचर है बिटवीन नेटवर्क 18 ग्रुप जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है एंड पैरामाउंट ग्लोबल। आपको ये याद रखना है वायोकॉम 18 MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अमेरिका से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा बैंक था जिसका नाम है SVB का फुल फॉर्म सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक डिमाइज बिगेन विद अ डाउनग्रेड थ्रेट। द 16th लार्जेस्ट बैंक इन US, US की जो 16वीं सबसे बड़ी बैंक थी जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, वो अभी शट डाउन हो गई है। क्यों हो गई? शट डाउन बाय रेगुलेटर ड्यू टू सडन शट डाउन ऑफ सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प एंड अनमाइंडफुल फंड रेसिंग ऑफ SVB। सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प जो कंपनी है वो भी एकदम से सडन शट डाउन हो गई, और उसके अलावा SVB ने ऐसे बहुत सारे लोन्स दिए जिसका कि उन्होंने प्रॉपरली मेरे हिसाब से ये है कि उन्होंने प्रॉपर उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो मतलब इसका बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज जो थी उसको ये फाइनेंस करता था बैंक, तो उसको प्रॉपरली उनने मैनेज नहीं किया, उसके कारण ये फेल्योर हो गया। इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट बैंक फेल्योर इन US हिस्ट्री आफ्टर द कोलैप्स ऑफ वॉशिंगटन म्यूचुअल इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 आप सभी को पता है आर्थिक मंदी बहुत बड़ी, उस टाइम पे वॉशिंगटन म्यूचुअल करके बैंक था वो कोलैप्स हो गया था। ये अभी सेकेंड बिगेस्ट बैंक कोलैप्स हुआ है ड्यू टू द शट डाउन ऑफ SVB। SVB के शट डाउन के कारण देर हैज बीन अ लॉस ऑफ मोर देन $100 बिलियन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ, मतलब अमेरिकन बैंक्स की हालत पूरी खराब हो गई इसके कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो PM इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन कर्नाटका हुबली। काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किए है, कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री स्वामी जी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1507 मीटर लंबा रहेगा। आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आप ये याद रखो। आपको हो सकता है कि ये ना पूछे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये पूछ ले कि भैया आप हमको उसकी लेंथ बताएं। तो उसकी जो लेंथ है वो आप याद रखो, 1507 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म विच हैज बीन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 20 करोड़, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी भेज दिया है। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज दिस एज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ग्लोबली ऑन 2nd March 2023। 2 मार्च 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इसका नाम चढ़ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो LIC को लेकर है। LIC अपॉइंट्स मिस्टर तबलेश पांडे एज MD। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज एलिवेटेड मिस्टर तबलेश पांडे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ LIC एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रमोशन हो गया है भैया का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डायरेक्टली MD बन गए। कब से? April 1 से। ठीक है, मिस्टर पांडे विल रिप्लेस प्रेजेंट MD मिस्टर विष्णु चरण पटनायक। फिलहाल में LIC में टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक तो तबलेश पांडे जी, बाकी के 3 M जगन्नाथ, दूसरे सिद्धार्थ मोहंती, ये इंटरिम चेयरमैन है, और तीसरे मिस्टर मिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट मिस सुरेखा यादव ऑपरेट्स मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सोलापुर, पहली लोको पायलट मिस सुरेखा यादव। मिस सुरेखा यादव बिकम्स एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट टू ऑपरेट द न्यूली इंट्रोड्यूस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। शी ऑपरेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम सोलापुर टू CSMT। CSMT का फुल फॉर्म छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वापस से डे को लेकर है। नेशनल वैक्सीनेशन डे March 16, याद रखो वैक्सीन बहुत चल रहा है, सवाल आने के चांस हमको लगते हैं। ऑन 16 मार्च 2023 नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑल ओवर इंडिया।
दिस ईयर अभी इनकी जो थीम थी इस साल की वो थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन सभी के लिए काम करती है। ये नेशनल इवेंट है जो कि 1995 से मनाया जा रहा है हर साल 16 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से अभी पीएम बैंगलोर तरफ गए थे, उसी साइट से पीएम मोदी इनॉग्रेट्स बेंगलुरु मैसूरु हाईवे इन मंड्या। 118 किलोमीटर का लंबा हाईवे है जो कि डेवलप हुआ है 8,480 करोड़ में। 118 किलोमीटर बेंगलुरु से मैसूर ये प्रोजेक्ट है। ये पूरा आपका 6 लेन का रहेगा, बेंगलुरु नीदघट्टा और वहाँ से सीधा निकलेगा मैसूर सेक्शन ऑन द नेशनल हाईवे 275। अपार्ट फ्रॉम दिस पीएम मोदी ऑल्सो लेट द फाउंडेशन स्टोर फॉर मैसूरु कुशलनगर 4 लेन हाईवे। उसी के अलावा मैसूर से कुशलनगर का हाईवे भी फाउंडेशन स्टोन उसका लेट कर दिया गया है। हाईवे की जो ये जो दूसरा वाला जो हाईवे है मैसूरु से कुशलनगर वाला वो 92 किलोमीटर का रहेगा और इसमें कॉस्ट लगेंगी आपकी 4,130 करोड़ रुपये। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से बैंगलोर से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम फ्रूट टू बी सेट अप एट IIHR बेंगलुरु। कमलम फ्रूट करके आपने देखा होगा, आप अभी फ्रूट वगैरह खरीदने कभी जाते होगे तो ड्रैगन फ्रूट करके बोलते हैं इसको, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अप्रूव्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसका जो कल्टीवेशन है मेनली साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यूएसए और कैरिबियन आइलैंड्स में होता है। कैरिबियन मतलब जो वेस्ट इंडीज की तरफ है वो, एंड ऑस्ट्रेलिया थ्रूआउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड। भारत में इसका कल्टीवेशन जो है वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मिजोरम और नागालैंड में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आखिरी के न्यूज़ चल रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। IIT गुवाहाटी साइंस MOU विथ SSA टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग। अभी आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स लोग हैं वो काफ़ी आत्महत्या कर रहे हैं, तो IIT गुवाहाटी ने क्या किया है, एक MOU साइन कर लिया है SSA के साथ में। SSA मतलब समग्र शिक्षा आसाम। इसमें क्या करेंगे, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करेंगे स्टूडेंट के अंदर और स्टूडेंट की जो एबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को सहन कर सके। बहुत अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। MOU वॉज साइन बिटवीन प्रोफेसर विमल कटियार जो कि डीन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट IIT गुवाहाटी के, एंड संजय दत्ता जो कि ACS है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समग्र शिक्षा आसाम के। ये कोलोब्रेशन में क्या होगा, IIT गुवाहाटी जो है ये सपोर्ट करेगा SSA को टू कंडक्ट वेरियस स्टेट लेवल एक्टिविटीज इन हाइब्रिड मोड इन स्ट्रेट रन स्कूल्स इन आसाम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। इससे शायद आत्महत्या कम हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये आज की लास्ट न्यूज़ है, वीडियो ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए बस। टाटा स्टील माइनिंग साइंस MOU विद गेल फॉर क्लीन फ्यूल। टाटा स्टील माइनिंग जो है वो MOU साइन किया गेल के साथ में क्लीन फ्यूल के लिए। क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, अभी ये सब जो फ्यूल है उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड है साइन MOU विद गेल इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट इन इट्स ऑपरेशन एंड फॉर द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इट्स पेरोलाय प्लांट्स इन ओडिशा कटक डिस्ट्रिक्ट। As per the MOU, GAIL will supply the agreed quantity of natural gas through its pipeline from Gujarat to Adgar. जो भी इनका MOU हुआ होगा उसमें एक क्वांटिटी फिक्स किया होगा नेचुरल गैस का, तो वह पाइपलाइन के थ्रू गुजरात से अटगर भेज देगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को, आपको बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, आपको तो मदद मिलेगी ही, साथ में आपके जो मित्रगण हैं उनको भी मदद मिलेगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।